गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक दैट इज नंबर सीरीज एंड दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बिहाफ ऑफ द NTSC एग्जामिनेशन बिकॉज सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन इन आस्क अल्फाबेट रिपीटिंग सीरीज ऑल्सो एनालॉजी ऑल्सो सो देर आर सम मेथड टू सॉल्व दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस. फर्स्ट मेथड इज ए प्राइम नंबर, ऑड इवन नंबर, स्क्वेयर, क्यूब एंड दीज आर द थिंग्स दैट इज बेस्ड ऑन द क्वेश्चंस. ओके, सो आई एम टेकिंग वन बाय वन एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ पैटर्न एंड देन वी विल सॉल्व ऑल द कंसेप्ट ऑफ नंबर सीरीज. ओके, दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ नंबर सीरीज. बेटा क्या है 7, 12, 19 क्वेश्चन मार्क 39. तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने का सबसे बेस्ट वे होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट द डिफरेंस ऑफ दैट नंबर. इसके अंदर आप देखेंगे इन दोनों के अंदर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट, दैट इज 12 माइनस 7, दैट इज 5 डिफरेंस. ओके, इन 12 to 9 प्लस 7, ठीक है, मींस अगला जो नंबर है आपका क्या चल रहा है, आपका ऑड नंबर है, वो ऑड नंबर सीक्वेंसिंग ऑर्डर में चल रहा है. तो प्लस 9, प्लस 9 का मींस हो गया यहां पे कि आप 19th आपका जो गिवन है उस 19th के अंदर हम जब प्लस 9 करेंगे देन वी विल फाइंड आउट द 28. तो यहां पे 28 आएगा. अब हम 28 अगर आएगा तो 28 प्लस अगर 11 किया 39 आ रहा है, इट मींस आवर आंसर इज प्रूव्ड. आप लोगों ने आंसर को भी प्रूव्ड कर दिया, इट मींस 28 इज योर आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सी द क्वेश्चन सेकंड, 0, 6, 24 60, 120, 210 वट विल बी द नेक्स्ट. ठीक है, तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन फॉर सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वी रिक्वायर टू लर्न स्क्वेयर, क्यूब, ऑल नंबर्स. अब आप देखें दैट नंबर बेस्ड ऑन द क्यूब कैसे है इसका. अब इन दोनों में मैंने डिफरेंस करके देखा, 0, 6 माइनस 0, 6, 24 मीन्स मैंने वो जो इससे प्रीवियस जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का जो फॉर्मूला है मैं इस पर अप्लाई करूंगा वो नहीं लगेगा. अगर ज्यादा गैप आ रहा है क्वेश्चंस के अंदर, क्वेश्चन में अगर ज्यादा गैप जनरेट हो रहा है, इट मीन्स वहां पे स्क्वेयर और क्यूब का कोई ना कोई कंसेप्ट है वो वेरी करेगा. तो अब इसमें क्या होगा, इसका जो सोल्यूशन होगा उस सोल्यूशन किस तरह से होगा कि जीरो कब आएगा, जीरो तब आएगा जब हम लोग 1 का क्यूब है माइनस 1 किया, 1 का क्यूब 1 ही होता है, माइनस 1 किया 0 आ गया. ठीक है, 6 कब आएगा, 2 का क्यूब है माइनस 2 किया, 2 का क्यूब क्या होता है 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6. ठीक है, इट मींस ये ऐसा ही 3 क्यूब माइनस 3 मींस 27 माइनस 3 इज इक्वल टू 24. ओके, नेक्स्ट वन 4 क्यूब माइनस 4, 64 माइनस 4 इज इक्वल टू 60. फाइव क्यूब माइनस 5 इज इक्वल टू 125 माइनस 5 इज इक्वल टू 120. 6 क्यूब माइनस 6 इज इक्वल टू 216 माइनस 6 इज इक्वल टू 210. सो वॉट विल बी द नेक्स्ट, मीन्स आपका जो आंसर विल बी 7 क्यूब
माइनस सेवन अब सेवन क्यूब माइनस सेवन अब आपको सेवन क्यूब है वो पता होना चाहिए तो यू कैन इजीली आइडेंटिफाइड अदरवाइज आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा 343 माइनस सेवन इज इक्वल टू 343 माइनस तो आपका क्या आ जाएगा इसमें 633 मींस 336 इज योर आंसर. दैट क्वेश्चन टोटली बेस्ड ऑन योर क्यूब और क्यूब अगर आपको लर्न है मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया हुआ है कि आपको क्यूब है वो 30 तक के क्यूब है वो लर्न करने हैं और आफ्टर दैट आपको कैलकुलेशंस सॉरी 35 तक के क्यूब है आपको लर्न करने हैं और आपको स्क्वेयर है वो 36 तक के लर्न करने हैं उसकी उसके बाद में कि मैंने प्रीवियस लेक्चर्स मीन्स आपका जो स्टार्टिंग का फर्स्ट लेक्चर था रीजनिंग में उसमें मेरे मैंने उनके सारे फंडामेंटल्स क्लियर किए थे आपके. ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन बेटा दैट इज वेरी गुड क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ टू सीरीज क्वेश्चंस में क्या है कि दो सीरीज चल रही है उस उन टू सीरीज के कॉम्बिनेशन पे बेस क्वेश्चन है. इसमें हम लोग क्या करेंगे इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि यहाँ पे फर्स्ट सीरीज है वो आपकी चल रही है 4, 12, 28 एंड क्वेश्चन मार्क. फर्स्ट आपकी चल रही है 6, 14, 30 कैसे चल रही है. अब अपन फर्स्ट वाले फॉर्मूले से देखते हैं कि 4 × 2 मीन्स 8 होता है माइनस 2 आ रहा है 6 × 2 = 12 आ रहा है 12 × मीन्स यहां मिक्सअप हो गया मीन्स कोई भी सीरीज माइनस कर लीजिए आप 2 आ रहा है इसका 6 आ रहा है इसका आपका 2 आ रहा है उसके बाद में 14 आ गया मीन्स यहाँ पे कुछ भी न आपका सिक्वेंसिंग चल रहा न आपका इवन ओड वाला कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो रहा न आपका कोई स्क्वेयर एंड क्यूब बेस्ड फंडामेंटल है वो इस पर अप्लाई हो रहा. तो हम लोग क्या करेंगे हम लोग ये करेंगे क्योंकि अपने को क्या फाइंड आउट करना है अपने को फाइंड आउट करना है कि आफ्टर 30 व्हाट नंबर विल कम. ठीक है ये हमें फाइंड आउट करना है. अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे कि हमें इनका नंबरिंग का पता चल जाए इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है प्लस 8 का डिफरेंस है. ठीक है उसके बाद में इसके बीच में कितना डिफरेंस है प्लस 16 का डिफरेंस है. आप देख लीजिए 16 + 12 = 28 हो गया मींस जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच में 8, 16 तो उसके बाद में नेक्स्ट डिफरेंस क्या होगा नेक्स्ट डिफरेंस 8 × 3 = 24 होगा. ठीक है 24 होगा तो आपका क्या होगा 28 + 24 = 2 मींस 6-2 विल बी योर आंसर ये आपका होगा. लेकिन आपको क्या करना है आप देखेंगे जब ये 28 वाला है तो 28 वाले के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे ये 8 × 6 मीन्स ये क्या हुआ है बेटा ये न कि यहां पे 8 × 2 अब देखो कंफ्यूजन कहां क्रिएट होगा आप इसको वापस से देखें इसको मैं रफ कर देता हूं आप इसको वापस से देखें इन दोनों सीरीज में क्या डिफरेंस चल रहा है इसमें ये चल रहा है इन दोनों के बीच में 8 का डिफरेंस है इनके बीच में 16 का डिफरेंस है. अब कंफ्यूजन क्या क्रिएट होता है कि आपका आंसर आपने कैसे निकाला आपने क्या 8 × 2 = 16 आ गया 8 × 3 = 24 आ गया बट यहां बेटा क्या हो रहा है यहां पर क्या हो रहा है 8 × 2 = 16 हो रहा है तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा 16 × 2 = 32 मीन्स 28 + 32 = 60 तो ये आपका आंसर है वो सी नहीं होके बी आंसर होगा. ये मिस्टेक किसी से भी हो सकती है बेटा क्योंकि
ये इसीलिए मैंने आपको इस तरीके से भी बताया, तो इट मीन 62 इज ए रॉन्ग आंसर और 60 इज योर राइट आंसर। अपने को 60 फाइंड आउट क्यों, क्योंकि ये जस्ट डबल हो रहा है, तो ये अपना जो सीरीज है इसका जो आउटपुट है वो आ गया 60। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट क्वेश्चन ऑल्सो सिमिलर प्रीवियस क्वेश्चन। आपको बेटा प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर भी मैंने बताया कि 62 आंसर एग्जैक्ट करके, क्योंकि ऑप्शन में 62 भी था 60 भी था, और हम लोगों का दोनों तरह से आंसर निकालते तो हम 62 करके आ जाते, तो वो अपना गलत हो जाता। इसके अंदर भी हम लोग क्या देखेंगे, इसमें हम देखेंगे कि ये वाली जो सीरीज है, मीन्स 1, 3, 7 क्वेश्चन मार्क 21, एक तो ये सीरीज बन रही है, एक इसमें 3, 6, 9, 12 ये सिंपल सीरीज बन रही है कि 3 की टेबल रिपीटेशन में चल रही है। अब हमें करना क्या है, हमें तो ये वाली सीरीज से मतलब है, इस वाली सीरीज को की क्या स्ट्रेटर्जी है, वो स्ट्रेटर्जी हमें फॉलो करनी है। हो क्या रहा है इसमें, इसमें हो रहा है बेटा, वन इंटू टू प्लस वन इज इक्वल टू 3। ठीक है, दूसरी स्टेप कैसे बनी, 3 × 2 + 1 इज इक्वल टू 7, 7 × 2 + 1 इज इक्वल टू 15। नेक्स्ट वाली देखते हैं अपन, 15 × 2 + 1 31, नेक्स्ट 31 नहीं आ रहा, अपना 21 ही आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अपना इस पैटर्न पे बेस्ड है वो अपना नहीं होगा। ठीक है, मींस ये वाला जो फॉर्मूला है वो अपना यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ये जस्ट डबल नहीं बन रहा। तो फिर अपन फर्स्ट वाले मेथड की तरफ चलते हैं, अपन फर्स्ट वाले मेथड पे चलेंगे। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है +2 हो रहा है, इसके अंदर कितना डिफरेंस हो रहा है, ये +4 हो रहा है। ठीक है, +2 + 4 मीन्स नेक्स्ट क्या आएगा, +6 आएगा। यहाँ क्या हो रहा है, आप देखें इसको कि आपने इन दोनों के बीच में डिफरेंस आया -+2 का, इन दोनों के बीच में आपका +4 हो गया। अब इन दोनों के बीच में क्या आएगा, +6 आना चाहिए, तो 7 + 6 = 13 means 13 will be your answer, 13 है वो आपका आंसर होगा। अब ये ध्यान रखना, कई बार यहां पे क्वेश्चन है वो चेंज कर देता है, यहां पे 31 आ जाएगा, तो मैंने आपको जो प्रीवियस वे में बताया उसी वे में आपको इसका जो आउटपुट है वो फाइंड आउट करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन, इन क्वेश्चन वी हैव टू सीरीज, सी दैट फर्स्ट वन इज 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7 मींस आपकी ओड नंबर की सीरीज चल रही है, तो उसके बाद में 7 के बाद में क्या आएगा, 9 आएगा। ठीक है, इससे भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में 9 वाला ऑप्शन यही है, या आपके पास दूसरा मेथड है, फर्स्ट को नहीं लिया, 2 × 2 = 4, 4 × 2 मीन्स जस्ट डबल हो रहा है, 8 × 2 = 16, 16 × 2 = 32, तो 32 मीन्स ए इज योर राइट ऑप्शन। ये आपकी सबसे जो इजिएस्ट क्वेश्चन है उनमें से है। कई बार क्या होता है, ऐसे इजिएस्ट क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में आ जाते हैं, और उस पर बेस्ट, क्योंकि ये इस पर दो आपके फॉर्मूलेज है, दो आपकी स्ट्रेटर्जी है वो फॉलो हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 3, 6, 24, 30, 63, 72 क्वेश्चन मार्क 132। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग चेक करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट, आपका 3 का डिफरेंस आ गया, 18 का डिफरेंस आ गया, उसके बाद में आपका 6 का डिफरेंस आ गया, उसके बाद में 33 का डिफरेंस आ गया, उसके बाद में अगेन आपका
9 का डिफरेंस आ गया, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब बेटा अपने को इस क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन में हमने फर्स्ट टाइम डिफरेंस क्रिएट कर लिया, अब आगे हम देखेंगे इसके अंदर जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस अगेन क्रिएट करना पड़ेगा, मीन्स ये सेकेंड लेवल तक ये क्वेश्चन मूव करेगा। इसमें आप देखेंगे कि आपका 3 है, 6 है, 9 है, मीन्स एक लेटर छोड़ के क्या आएगा आपका 12 आना चाहिए, मीन्स इन दोनों लेटर्स के बीच में अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आएगा, आपका 2 आ जाएगा। ऐसे ही इन दोनों तीनों के बीच में अगर अपन इनको किससे डिवाइड, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आया, इन दोनों के बीच में डिफरेंस आया 15 का, अगेन इनके बीच में डिफरेंस 3 का आ गया, अगेन इनके बीच में डिफरेंस 15 का आ गया, तो 15 का डिफरेंस आएगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि 9 प्लस 15 आपका जो 33 प्लस 15 अगर अपन ऐड करेंगे तो आपके आपके जो क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्वेश्चन का आंसर आपका 120 आएगा। क्यों आएगा 120 कैसे आएगा, अगर मान लीजिए यहां ऑप्शन मैंने 120 किया तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, इन दोनों का डिफरेंस आ गया आपका 20 और ये आपका 28, ये आपका आ गया 48, ठीक है, और 33 और 48 के अंदर डिफरेंस कितना आता है, 15 ही आता है, इट मींस योर ऑप्शन इज 120। अगेन आई एम रिपीटिंग द थिंग्स, इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, फर्स्ट केसेस में आपने डिफरेंस क्रिएट किया 318, 633, 9 का डिफरेंस आ गया, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद में हम करेंगे इसमें देखो एक लेटर छोड़ के एक लेटर, अगर जब हम 315 इस तरह से इनका डिफरेंस आपको नजर आएगा, उस डिफरेंस को अपने को इनकी कंडीशंस फुलफिल करनी है, तो ये ऑप्शन के 120 में से ये क्वेश्चन ऑप्शन है वो इसका सेट होगा और ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब अपन जो नंबर सीरीज है, क्योंकि आपको पता है इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, ऑलरेडी हम लोगों ने एनालॉजी के अंदर पढ़ लिया है, हमने अल्फाबेट रिपीटिंग सीरीज के अंदर इनको पढ़ लिया है, तो इनकी कोई लिमिटेशन होती है। बेसिकली देर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर सीरीज, फर्स्ट वन इज द मिसिंग नंबर एंड सेकेंड वन इज ए रॉन्ग नंबर, मीन्स आपको क्या होगा, ये क्वेश्चन मार्क गिवन नहीं होगा, आपको एक कंप्लीट सीरीज गिवन होगी, उस कंप्लीट सीरीज में से कोई एक डिजिट है वो रॉन्ग होगी, वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो आजकल का जो लेटेस्ट जो बेस्ड क्वेश्चन है वो रॉन्ग क्वेश्चन, क्योंकि इसके अंदर तो हम लोग क्या है कुछ ना कुछ एडिशन प्लस माइनस आपके इवन ओड स्क्वेयर क्यूब बना के इनको इजिली सोल्व कर लेते हैं, बट आपके रॉन्ग टर्म वाली सिचुएशन के अंदर क्या होगा, वहां पे इनको सोल्व करने में थोड़ा सा टाइम कंजप्शन लगेगा और कई बार ये कंसेप्ट है वो कई बार सोल्व भी नहीं होता, उनका जो ग्रिप है हम लोगों का कंसेप्ट है वो समझ में नहीं आता। तो अपन अब मिसिंग टर्म का एक पोर्शन कंप्लीट करने के बाद में अभी अब रॉन्ग टर्म वाले क्वेश्चन पे आएंगे, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन फाइंड द रॉन्ग टर्म इज ए 2, 5, 9, 11, 14, ये आपको क्वेश्चन गिवन है, इनमें से हमें रॉन्ग टर्म है वो फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट द डिफरेंस, इसके अंदर 3 का डिफरेंस हो गया, इन दोनों के अंदर 4 का डिफरेंस हो गया, इन दोनों के अंदर आपका 2 का डिफरेंस हो गया, इन दोनों के अंदर 3 का डिफरेंस हो गया। तो अब हमें क्या समझ में आया इस कंसेप्ट से कि ऐसा डिफरेंस है, सिर्फ एक 3 का डिफरेंस है वो 2 टाइम हैपेंड हुआ है, इसका मतलब कि आपके जो प्रॉब्लम है वो 9, 11 नंबर में होगी नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कि 3 का अगर इसमें डिफरेंस यहां आ रहा है, लास्ट में भी 3 का डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब थोड़ा सा IQ लेवल इसमें ज्यादा यूज करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या सोच देखेंगे, या तो इसमें रॉन्ग टर्म है वो 9 होगी या 11 होगी। अब अपन देखते हैं अगर इन सब में 3-3 का डिफरेंस अगर क्रिएट कर ले तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हम देखेंगे अगर मान लीजिए यहां पे 2 + 3 दैट इज 5, 5 + 3 8 कर दिया 9 की जगह, तो 5 + 3 8 हो गया, 8 + 3 11 हो रहा है, 11 + 3 आपका 14 हो रहा है, मीन्स आपकी 9 है जो 9 डिजिट है दैट इज ए रॉन्ग टर्म, मीन्स इसकी 9 की जगह क्या आना चाहिए, यहाँ पे 8 आना चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है कि विच वन इज ए रॉन्ग टर्म, सी इज ए रॉन्ग टर्म, जिसके अंदर 9 नोट डाउन है वो आपकी रॉन्ग टर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन
डिजिट देख के ही अपने को ऐसा लग रहा होगा पता नहीं सर ने क्या नोट डाउन कर दिया, कैसे क्या करेंगे। बेटा इस क्वेश्चन को अपने को सोल्व करना है और इस क्वेश्चन में से कौन सी रॉन्ग टर्म है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो ये डिफरेंस वाला केसेस इसमें बन नहीं रहा, इसमें कुछ ना कुछ मल्टीप्लीकेशन वाली टर्म आ रही है। आप देखिए 10 से 100 हो गया, 100 से आपका 1100 हो गया, 1100 से 11000 हो गया, मतलब इट मीन्स कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है कि इसमें कुछ मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। तो हम देखेंगे कि आपका 10 से 100 कैसे बनता है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 10 से, मीन्स 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 100 आ गया। उसके बाद में 100 को अगर मैं 11 से मल्टीप्लाई करूंगा, अगर मैं 11 से मल्टीप्लाई करूंगा 100 को, तो आपका 1100 आ जाएगा। अब 1100 को जब मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आपका 11000 आ जाएगा, ठीक है। 11000 को जब मैं 11 से मल्टीप्लाई करूंगा, मींस 11000 है आपका, उसको जब मैं 11 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, तो मेरा क्या आएगा, तो उस टाइम में मेरा 0001 ये आ जाएगा, ठीक है। इट मींस यहां पे आपका 121000 ये आएगा, तभी तो इसको जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली डिजिट आएगी। इसका मतलब ये हो गया कि आपकी जो डिजिट है 111000 दैट इज ए रॉन्ग टर्म, इसकी जगह 121000 आना चाहिए था। कंसेप्ट में वापस से रिवाइज कर रहा हूं बेटा, क्योंकि आप लोगों के कंफ्यूजन्स होगी। फर्स्ट स्टेप में क्या किया, 10 से मल्टीप्लीकेशन कर दिया इसको, ये आ गया। सेकंड टर्म को 11 से मल्टीप्लाई कर दिया, थर्ड को अगेन 10 से, 11 से, 10 से, 11 से, ये प्रोसेस अपना चल रहा है। तो इसे अपना क्या हुआ कि आपका ये वाली जो फिफ्थ डिजिट है 111000 है वो दैट इज ए रॉन्ग टर्म, इसकी जगह अगर 121000 होता तो इसका सही आंसर आता। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन, 2, 6, 11, 17, 23, 32, 41 क्वेश्चंस को देखते ही हमें ये आइडेंटिफाइड करना है कि इसके अंदर क्या कर सकते हैं हम। ये ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा, इट मींस हम लोग क्या कर लेंगे, इसमें डिफरेंस क्रिएट कर लेंगे। इन दोनों के बीच में 4 का डिफरेंस आ गया, इन दोनों के बीच में 5 का डिफरेंस आ गया, इसके बाद में इन दोनों के बीच में 6 का डिफरेंस आ गया, इन दोनों के बीच में 6 का आ गया, इन दोनों के बीच में 9 का आ गया, और इन दोनों के बीच में आपका 9 का आ गया। तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि आपका 4, 5, 6 एक वन नंबर से इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर डिफरेंस चल रहा है, लेकिन जैसे ही यहां पे 6 अगेन रिपीट हो रहा है, इट मींस यहां पे कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। अगर मैं यहां पे 6 की बजाय यहां पे +7 करूं तो क्या आ जाएगा, यहां पे 24 आ जाएगा, ठीक है। अब 24 और 38 इन दोनों के बीच में डिफरेंस +8 हो गया। आप एक बार इमेजिनेशन कर लीजिए कि 23 की जगह 24 यहां पे है, तो 24, 32, 41 इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आएगा, 8 का आएगा, और इसके बीच में कितना आएगा, +9 का आ गया। मतलब यहां पे जो 23 है दैट इज ए रॉन्ग नंबर, ये रॉन्ग नंबर की जगह अगर 24 नंबर आ जाता तो आपका जो एग्जैक्ट है वो एग्जैक्ट सही आ जाता, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन हो गया, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 61, 52, 63, 95, 46, 18 मीन्स आप क्वेश्चंस को देखो, इस क्वेश्चन में कई बार इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है, कई बार डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है, अगेन इंक्रीजिंग आ रहा है, डिक्रीजिंग आ रहा है। तो इसका मतलब बेटा ये कुछ ना कुछ एक पर्टिकुलर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आप इसको देखेंगे अपन, अगर इस क्वेश्चन को मैं अलग तरीके से नोट डाउन करूं, क्योंकि मुझे तो यहाँ देखते ही क्वेश्चन है वो समझ में आ गया। इस क्वेश्चन को मैं अगर इस तरह से नोट कर दूं, जस्ट इसका रिवर्स कर दूं, 1, 6, 2, 5, 3, 6, 5, 9, 6, 4 एंड 8, 1
कुछ याद आ रहा है? 16 क्या होता है? 4 का स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है और 9 का स्क्वायर आपका 81 होता है। क्या किया इन्होंने? इन्होंने कोई नंबर्स लिए 4, 5, 6, 7, 8, 9, उन नंबर्स को स्क्वायर किया और स्क्वायर करने के बाद में जस्ट अपोजिट आपका अपोजिट नंबर है इनको नोट डाउन कर दिया। मीन्स 1 की जगह 6, 6 की जगह 1 है वो वहां पे नोट डाउन कर दिया। तो इसमें क्या करेंगे आप देखो, ये भी स्क्वायर बन रहा है, ये भी स्क्वायर बन गया, ये भी स्क्वायर, लेकिन 59 या 95 किसी का स्क्वायर नहीं होता। इट मींस अगर मान लीजिए यहां पे क्या आना चाहिए था, यहां पे 49 आता तब आपकी ये जो सीरीज है वो सही होती। इट मींस अब एरर कहां है? अब आपकी एरर है वो 95 के अंदर है, ये आपकी रॉन्ग टर्म है। तो बेटा कई बार क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो इस तरह से कुछ चेंज पैटर्न पे बेस्ड भी आ जाता है, जिसको अपने को सिर्फ वहां पे ग्रिप करना पड़ेगा और ये सारी जो थिंग्स है वो अकॉर्डिंग टू योर प्रैक्टिस होगी। आप जितने नंबर ऑफ प्रैक्टिस पेपर सोल्व करेंगे उतने नंबर ऑफ कंसेप्ट है आपके क्लियर होते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 126, 62, 30, 15, 6, 2। बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छे फॉर्मूले पे बेस्ड है और इस क्वेश्चन को अगर अपन ने थोड़ा सा IQ, आप ट्राई करें इसको सोल्व करने का, वीडियो को पॉज करें, पॉज करने के बाद में ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन। बेटा इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप देखें इन दोनों के बीच में देखें कि लगभग लगभग हमें ये हाफ फिगर मिल रहा है, हाफ फिगर मिल रहा है। इट मींस क्या हो रहा है कि ये डिवाइड बाय 2, मींस 126 है वो डिवाइड बाय 2 है, ठीक है। डिवाइड बाय 2 क्या होता है, 6, 3 आ गया, माइनस 1 ये आ गया, ठीक है। मींस आपको जो गिवन है उसको डिवाइड बाय 2 माइनस 1 किया तब आपका 62 आ गया, ठीक है। अब 62 से 62 को मैं डिवाइड करूंगा 2 से तो ये 31 आ गया, 31 माइनस 1 करूंगा तो आपका 30 आ गया। मींस ये पोजीशन सही है, ये लोकेशन सही है, ये लोकेशन सही है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, जब 30 आ गया, 30 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 15 आएगा और 15 को मैं माइनस 1 करूंगा तो आपका 14 आना चाहिए, लेकिन आपके क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, आपके क्वेश्चन में 15 गिवन है। मींस आपके 15 इज द रॉन्ग टर्म। अब इसको आगे भी अपन सोल्व करके देखते हैं, आगे सोल्व करेंगे 14 का हाफ क्या होता है, 14 का हाफ आपका 7 होता है और 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 6, अपनी लोकेशन पे सही है, मींस 6 ही आएगा। और अगेन आपका 2 है, 6 है, 6 को 2 से डिवाइड किया 3 आया, 3 माइनस 1 दैट इज 2। मींस आपकी जो सीरीज बन रही है उस सीरीज के अंदर सिर्फ जो 15 इज योर रॉन्ग टर्म और इसकी जगह आपको अगर 14 था दैट विल बी योर करेक्ट सीरीज। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड द नंबर सीरीज टॉपिक एंड बेसिकली नंबर सीरीज टॉपिक डिवाइडेड इन टू पार्ट्स और दोनों ही पैटर्न्स के मैंने आपको जो जितने एग्जाम्पल्स होने चाहिए वो एग्जाम्पल्स लेके मैंने सोल्व कर दिया है। अब आपको बेटा क्या करना है, आपकी जो NTSC की जो सीट गिवन है उस सीट के सारे एक्सरसाइजेज आपको करनी है और आपको क्योंकि सारे जो पैटर्न्स हैं ऑलमोस्ट चाहे वो स्क्वेयर बेस पे हो, चाहे वो ऑड नंबर पे बेस्ड हो, चाहे वो आपके प्राइम नंबर पे बेस्ड हो, चाहे आपके क्यूब पे बेस्ड हो, सारे क्वेश्चंस मैंने कवरअप करवा दिए हैं। तो आई होप यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ नंबर सीरीज एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।